अब मैं आ गया हूँ ऑफिस से। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे, वर्कआउट करेंगे आज, देखते हैं क्या वर्कआउट होता है। और बहुत ही एक सैड न्यूज़ है, वो भी देनी है आपको, बने रहना। और पापा बैठे हुए हैं हमारे, ये देखिए कैसे टीवी देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो गाइस। देखते हैं अभी कब तक तैयार होता, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होऊंगा गाइस मैं। गाइस मैं निकल गया हूँ जिम के लिए, हाथ में मेरे हेलमेट भी है और अब मैं बाइक के लिए जा रहा हूँ। गाइस आ गए बाइक की तरफ, आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही थी आगे, तो इधर की साइड से कार गई है। हाँ इतनी सी, मैं पता नहीं है। तो गाइस बाइक आ गई हमारी, सेंचुरो देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं सूरज के यहाँ पे जाता हूँ, तो सूरज के यहाँ पे मिलते हैं गाइस। सो गाइस मैं सूरज के पास आ चुका हूँ और उसके बाद मुझे दीप भाई मिलते हैं। दीप भाई ने बोला कि भाई तुम शूट कर रहे हो और मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, ठीक है। तो मैंने बोला कि ओके भाई, हैव अ नाइस जर्नी बोला। उसके बाद सूरज से मिला मैं, फिर यश भाई भी मिले हमें, तो यश भाई ने भी हाथ मिलाया। और सूरज मेरे को कह रहा है कि साले फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने बोला भाई शूट कर रहा था तो कैसे उठाते, तूने रिकॉर्डिंग ख़राब कर दी है। तो मैंने यश भाई को बोला कि चलो भाई आओ चलते हैं, तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। उसके बाद फिर हम एंट्री हुए और उसके बाद हमारी गली में ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो वहाँ पे वीडियो थोड़ा लो हो जाता है, तो थोड़ा डार्क हो गया था यहाँ पे वीडियो। तो यश भाई कहते हैं अंधेरा खाया मेरे भूत आ जाए, तो बोला ऋषि भाई आपने शक्तिमान देखी है? मैंने बोला हाँ भाई। बोला आपको पता है? मैंने बोला क्या? बोला गंगाधरी शक्तिमान होता है। तो उस टाइम में थोड़ा कॉमेडी हो गया था बीच में। तो उन्होंने बताया कि हमारी गली बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है, तो उसके बाद उजाला ही उजाला है। उसके बाद फिर हम जिम में इंटर हो जाते हैं, तो इंटर होते ही फिर मैंने अपना हेलमेट रखा था, ठीक है। हेलमेट रखने के बाद चाबी भी रख दी थी, तो यश भाई से बोला यश भाई आज लेग्स एक्सरसाइज है तो यार मैं कर पाऊँगा? तो कह रहे अरे हाँ भाई क्यों नहीं कर पाओगे। उतने में फिर सूरज निकल के चला जाता है, कहता है ओ जल्दी जल्दी करो शूट वूट, ठीक है लेट हो जाएंगे, लेग एक्सरसाइज करनी है। तो यश भाई ने भी बोला टाइम नहीं है, हमें करना पड़ेगा लेग एक्सरसाइज जल्दी जल्दी, पहले स्ट्रेचिंग कर लेते हैं उसके बाद लेग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सूरज के पास आता हूँ, वो पानी भर रहा होता है। मैंने पूछा कितने लीटर का, कह रहा है 1.5 लीटर का है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ये स्ट्रेचिंग करते हैं भाई। फिर मैंने क्राउड दिखाया आप लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड था इस वाले रॉ में, उधर नहीं था। फिर मैंने सूरज से पूछा कि भाई मेरे को तू प्रॉपर बता दियो ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर को बता सकूं और लोगों को बता सकूं कि किस हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। तो इससे पूछा मैंने वेट कितना मारेगा, कहता है 100 ग्राम मारूंगा मजाक में। मैंने बोला रहने दे तू 50 के ऊपर ही जाएगा, मुझे पता है हरदम का तेरा ऐसे ही है। फिर मैं यश भाई के पास गया, वो अभी तक स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आज पूरा धागा बोल दूंगा, तो मैंने बोला मैं कर लूँगा भाई एक्सरसाइज लैग की बहुत टाइम बात करूँ। बोले कि अरे भाई आप तो शेर हो शेर, आपकी तो बॉडी पूरी मेच्योर हो गई है, एक हफ्ता कर लोगे पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, आप क्या डरते हैं? हम क्या डरते हैं, हम पहलवान है पहलवान। ये भाई का पूरा जोश देखते हुए फिर से मैं गया था सूरज के पास। सूरज ने बोला कि भाई अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, तेरे को मैं प्रॉपर बता दूंगा। 2-3 एक्सरसाइज हम आपको बताने वाले हैं इस पर, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे फ्री स्क्वाट से स्टार्ट, ठीक है गाइस। तो मेरे को सूरज ने बोला कि तू बता दियो, एक तू शूट करियो एक मैं शूट करता हूँ, मतलब वीडियो, ठीक है। एक एक एक्सरसाइज हम दोनों करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उस चीज़ से आप लोगों को पता लग जाएगा। फिर वहाँ पे सूरज ने स्टार्ट कर दिया था अपना फ्री स्क्वाट्स, तो इस हिसाब से उसने फास्ट इसलिए कर रहा था ताकि मैं उसे देख सकूँ, ठीक है। प्रॉपर आप इसको देखिए जो मतलब लेग एक्सरसाइज को स्किप कर देते हैं हर बार की तरह, हफ्ते में 2 बार लेग एक्सरसाइज करनी पड़ती है गाइस, फॉर आपके लेग के मसल को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप इसका पोस्चर देख सकते हो, और मैंने डिटेल में भी अपना खुद का एक्सरसाइज किया था इसमें, जो कि इसने इस वीडियो को शूट किया है और ये इसी वीडियो में कवर हो गई है गाइस। हम कभी और करने वाले थे बट सूरज ने बोला नहीं भाई इसी टाइम है और यही मौका है करने का, क्योंकि बहुत क्राउड हो जाता है गाइस जिम में और हम भी नहीं कर पाते। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, तू मुझे ना एक दो चीज़ बता दियो कि क्या आप प्रॉपर करना है या मतलब किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो इसने बोला हाँ ठीक है, मैं तेरे को सब आता है बट तू सूमो वाले बताइए जो न्यू चल रहा है अभी और कोई करता नहीं। फिर मैं आ गया था आप लोगों को बताने के लिए कि किस हिसाब से आपको फ्री स्क्वाट्स करना है, ठीक है। अपने लेग्स को थोड़ा स्प्रेड करना है, मतलब खोलना है, इतना भी नहीं, देखो जितना मैंने किया हुआ है आप अंदाज़ा लगा के आप खोल सकते हो, ताकि आपके पूरे ग्लूट्स हो गए, ठीक है, और आपके
जो लेग्स है वो स्प्रेड हो गए हैं, ठीक है। आप अपने हाथ को शोल्डर पे रख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे बिल्कुल जब डाउन जाना है आपको, ठीक है, तो डाउन बिल्कुल स्लो जाना पड़ेगा गाइस। तो आप उसमें आप नहीं, पहले आप ये वीडियो देखो मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो करना है, ये देखिए। उसके बाद हम आ जाते हैं वेट स्क्वाट्स पे। तो वेट स्क्वाट है, सूरज कर रहा था इस एक्सरसाइज को और मैं शूट कर रहा था, और आप लाइट वेट इसलिए देख रहे हो क्योंकि हमने लाइट वेट से ही आपको बताना है कि किस हिसाब से आपको नीचे डाउन होना है, ठीक है, नीचे जाना है और कैसे ऊपर आना है। तो आप देखिए वेट स्क्वाट लग गया है और आपका जो पॉस्चर होता है बैक का बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब इतना भी सीधा नहीं, थोड़ा हल्का लीन होना चाहिए। और लीन होने के साथ साथ आपको बिल्कुल स्लो नीचे जाना है, ठीक है। ये बिगिनर्स आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद जो इंटरमीडिएट है और मैच्योर है तो वो वेट लगा के कर सकता है। और लाइट वेट से क्या है बिगिनर्स के लिए कि स्पाइन में उनका ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और नीज पे भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लेग कर्ल में, जो कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ गाइस। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कि बिल्कुल आपको स्लोली करना है, आपके अपने नीज को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, ज़्यादा जोर नहीं देना लाइट वेट से, इसीलिए मैंने आपको बताया है बिल्कुल स्लो डाउन स्लो अप करना पड़ेगा, जो आपके बिल्कुल डीप मसल जो लेग की होती है उसको हिट करेगी। हिट करने के साथ साथ वो पंप होगा, ठीक है, जो उसकी जो वेंस है, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ईजली फ्लो होगी गाइस। इस हिसाब से आपका लेग का जो कट्स होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम आ जाते हैं फिर लेग प्रेस। तो लेग प्रेस की एक्सरसाइज भी मैं कर रहा था और मैं आपको बताने के लिए कर रहा था क्योंकि ये अभी हमने स्टार्ट नहीं किया लेग प्रेस और लेग की एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ ये वीडियो थी आपको बताने के लिए जो बिगिनर्स है, ठीक है, और जो लेग एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो देखो बिल्कुल स्लोली स्लोली आना है नीचे, उसके बाद ऊपर करना है, अपने जो लेग्स को ना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। देखो मैंने किस हिसाब से किया, हल्का सा कर्व है मेरी, नहीं आप बिल्कुल देखिए, स्टॉप करके इस वीडियो को जूम करके देखना गाइस। उसके बाद सो गाइस ये आ जाता है सूरज का थोड़ा फनी पार्ट, आप देखिए लेग की एक्सरसाइज तो करेगा, उसके बाद जो फनी पार्ट आएगा आप ये इसमें खुद देखिए गाइस। देख इसमें गाना नहीं बज रहा, ठीक है भाई, ये ऐसी हो नहीं। सो गाइस अभी ये कर रहा है बिल्कुल हैवी से, आप इसका वेट देख सकते हो, चलिए वेट देखो गाइस, उसका फेस एक्सप्रेशन देखो। देखो गाइस ये होता है आफ्टर हैवी वर्कआउट, उठा भी नहीं जा रहा उसका, अभी इसको बोलूं ना सीढ़ी चढ़ जाए पर चढ़ भी नहीं पाएगा, हैं अभी इधर बोलने जा रहा भाई चल घूमने चल रहे वो भाई फटाफट आ रहा है। अगली एक्सरसाइज आ जाती है हमारी सुमो स्क्वाट्स। सुमो स्क्वाट में पैर थोड़ा स्प्रेड होने चाहिए, ज़्यादा स्प्रेड होने चाहिए जितना कि सुमो रेसलर के होते हैं, ठीक है। आप सुमो रेसलर को देखना, उस हिसाब से अपने पैरों को खोलना, उसके बाद डंबल पकड़ना, बिल्कुल स्लोली स्लोली डाउन होना, जैसे कि आपने फ्री स्क्वाट्स में पॉस्चर बनाया था वैसे ही पॉस्चर होएगा। और आप डंबल को देखिए बिल्कुल स्लो स्लो करना है, जिस हिसाब से ये सूरज कर रहा है वैसे ही आपको करना है, ये बिगिनर्स भी है इंटरमीडिएट और बॉडी बिल्डर्स भी। उसके बाद अपने लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पूरा लेग खुल जाए, उसकी मसल पूरी ओपन हो जाए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पोजिंग वोजिंग हो जाती है सूरज की। फिर हमारे भाई आ जाते हैं जो बिगिनर्स लोग करते नहीं हैं, जिनको नहीं आता, वो इस एक्सरसाइज को देखो कि किस हिसाब से सूरज बता रहा है, ठीक है। सूरज उसको इस हिसाब से बता रहा है कि जो कि इंटरमीडिएट और बिगिनर्स कर सकें, उस हिसाब से बता रहा है गाइस। तो गाइस वॉइस ओवर में थोड़ा नहीं कर पा रहा, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, हेट मत करना, पूरी देखना इस वीडियो को, ठीक है। बिल्कुल स्लो स्लो डाउन जाना है आपको, फिर अप आना है, ये देखिए जिस हिसाब से बता रहा, आप ये वीडियो देखिए धीरे धीरे, इस वीडियो को देखें स्लो मोशन में, ठीक है, फिर पॉज करना, फिर रिवाइंड करना, ऐसे ही आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको इस चीज़ में क्रेज़ आएगा कि हाँ भाई सुमो वेट स्क्वाट बहुत मस्त होता है लेग के लिए। उसके बाद इनकी हालत ख़राब हो गई थी, फिर मैं आ जाता हूँ अपनी काफ की एक्सरसाइज के लिए। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है गाइस, ठीक है। बिल्कुल नीचे अपने
पैरों को ले जाना है, ठीक है, अपने जो फुट है नीचे, बिल्कुल उसको नीचे जाके ना स्ट्रेच करना पड़ेगा आपको, जो एडी है ना आपकी उसको, ठीक है, एडी को बिल्कुल नीचे आपको स्ट्रेच करना है। उसके बाद बिल्कुल ऊपर लेके स्क्वीज करना है पड़ेगा, जैसे आप अपने बाइसेप्स को स्क्वीज करते हैं, ठीक है, फ्लैक्स करते हैं, वैसे ही करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो डाउन देन अप, ठीक है, ऐसे ही स्क्वीज करना है। फिर होल्ड भी करना पड़ेगा आपको 5 सेकंड के लिए, होल्ड फिर डाउन, ठीक है, डाउन करते टाइम बिल्कुल स्ट्रेच करना है नीचे के साइड पे, उसके बाद ऊपर आके स्क्वीज, फिर 5 सेकंड का होल्ड, फिर डाउन। तो इस हिसाब से जो आपकी मसल है ना वो आपकी डीप तक पंप हो जाएगी, ठीक है, आपके वेंस में ब्लड सर्कुलेशन भी फ्लो में चलेगा, उसके हिसाब से आपकी मसल ग्रो होगी गाइस, ठीक है। जब तक आपकी मसल ग्रो नहीं होगी ना तो आपको काफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल ईजिली करो, स्लो करो और अच्छे से करो, ताकि आपको इंजरी भी ना हो, ठीक है, और इंजरी से भी आप बचे रहे, मसल भी ग्रो हो और ज़्यादा पेन भी फील ना हो। देखो पेन फील होगा, बट उस हिसाब का पेन फील नहीं होगा, मसल के हिसाब का पेन फील होगा। सो लेग्स की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है गाइस। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं किसी से मिलवाता हूँ, और ये हैं हमारे नितिन भाई, जहाँ मेरा बचपन कटा है ये वहीं पे अभी भी रहते हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़े थे गाइस। ये भी बहुत पतले थे पहले, और मैंने इसमें बताया है कि जहाँ पे मैं छोटा था इतना, जहाँ मेरा बचपन कटा और अब इतना बड़ा हो गया, ठीक है, और नितिन भाई अभी भी साथ ही हैं मेरे, ठीक है, और हम एक साथ ही पढ़े थे स्कूल में एक के साथ, और ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी बॉडी पे, बहुत ही ज़्यादा पतले थे, ठीक है, ऐसे थे ये पतले। उसके बाद अब देखिए इनके फिजिक, 2 साल में इन्होंने अपना रिकवर किया है पूरे फिजिक को, बहुत ही ज़्यादा पतले थे, मास कैरी नहीं करते थे, और अब मास कैरी भी हो गया। और इन्होंने बताया गाइस ऋषि के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पूरी वीडियो देखो गाइस। और फिर इसमें मैंने बताया कि भाई तू लाइक करता रहे अपना एक्सरसाइज, ठीक है, मेरी वीडियो शूट ख़त्म, ये वीडियो शूट करी है सूरज ने, उसने बोला अपना वेट कर, मैंने वेट किया, मेरा वेट था 56,500 समथिंग, हमने 30 डे का चैलेंज लिया है, और मेरे व्लॉग देखते रहना, अब देखते कितना ग्रो करते 30 डे में। तो गाइस अब घर की तरफ जा रहा हूँ मैं, अब पहले इसको छोड़ देता हूँ सूरज को, पीछे ही वीडियो बना रहा है तो देख लेना गाइस। गाइस ये हमारा रूट है, पुलिस वाले देख रहे हैं अभी, लेकिन हम निकल जाएंगे, पुलिस वालों को चकमा देते हुए निकल गए गाइस, सिस्टम पार देंगे। अब थोड़ी सी दूर में ही मेरा घर आ जाएगा, और ये जाएगा राइट और मैं जाऊंगा लेफ्ट गाइस, और ये बुलेट की आवाज आते हुए, तो अब इसकी मंजिल आ गई है दोस्तों, यहाँ से गाइस मैं राइट जाऊंगा, तो मेरे अब मेरा वॉकिंग डिस्टेंस है, इसको इस अंधेरी गुफा से जाना होगा। तो सी यू गाइस, मैं अब घर जाके टुमारो, फिर ये ब्लॉग एंड हो गया, वर्कआउट भी एंड हो गया था, अब मेरा घर में जाना भी एंड हो जाएगा था। सो गाइस आ गया हूँ मैं अपने घर, डेली की तरह जैसे एंड होता है ब्लॉग वैसे ही एंड होगा दोस्तों। भाग के जाते हैं, देखते हैं कि घर में कौन है, बहुत फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा नॉइस आता है, और आ रहे हैं हमारे पापा दरवाज़ा खोलने के लिए, जल्दी खोलो, ये खोला भी नहीं है, तो आ गए हैं साथ में, नीचे मम्मी बैठी हैं, हैं मम्मी आए बोलो, हैं, और देखो पापा को अपनी बॉडी दिखाते हुए यहाँ पे। तो गाइस ये देखो दिखा रहे हैं बॉडी, ये देख रहे हो अभी भी मसल है इनकी, देखो ये देखो, ये 60 साल के ऊपर हो गए हैं, फिर भी पावर है अभी भी गाइस। तो व्लॉग का एंड करते हैं, बिलीव दैट, अरे एक चीज दिखाना भूल गया, बिलीव दैट दिस समय वर्ल्ड सेम, गुड बाय, अरे मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, बाय बाय। सो आप देख सकते हो गाइस कैसा मौसम हो रहा है, ठीक है, और इस मौसम में भी मैं जा रहा हूँ जिम, ठीक है, रेनकोट पहन के चाहे कैसे भी जाना पड़े जाऊँगा तुम लोगों के लिए, और मेहनत तो कर ही रहा हूँ यार, अगर मेहनत कर रहा हूँ मैं इतनी तो मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, ठीक है, और जितने मेरे सब्सक्राइबर है वो भी नहीं देखते, आप देख लो कितनी
कितनी बारिश हो रखी है और ये पूरा भरा हुआ था, फिर भी मैं आया, ऑफिस आया और अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें पूरा, आप देख लो गाइस, यहाँ देखो पूरे बादल मंडरा रहे हैं और पूरी ये जो रोड है ना पूरी की पूरी गीली हुई है। तो आप इसमें देख सकते हो, फिर भी मैं जाऊँगा जिम और आपके लिए वीडियो बनाऊँगा पक्का। नेक्स्ट वीक में आपको बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी और जो सैड न्यूज़ थी ना वो भी आपको मैं बता दूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं